दाढ़ी परमानेंट क्यों नहीं आती? अगर आपकी दाढ़ी आ चुकी है, इसके बाद आपकी दाढ़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है या फिर बाल टूट रहे हैं या कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी ऑलरेडी पहले बियर्ड आ गई थी, लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं बियर्ड में प्रॉब्लम्स आने लग गई, जैसे कि दाढ़ी के बाल झड़ना या दाढ़ी के बाल टूटना या फिर दाढ़ी के बाल रेड ब्राउन होना या दाढ़ी के बालों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। तो ये क्यों होता है? सबसे बड़ा रीज़न इसका होता है कि आपके जो हार्मोन्स लेवल रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल रहते हैं, वो कम हो जाता है। इसके बाद से आपकी बियर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती। मेन आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल ही रहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सी कमेंट्स, बहुत से मैसेज इंस्टा पे आ रहे थे कि सर, हमारी पहले तो बियर्ड ऑलरेडी आ चुकी थी, काफ़ी अच्छी काली गंडी मोटी थी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो ऐसा इसीलिए होता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आपकी जो डाइट रहती है, आपका खान पान रहता है, आप जो या फिर आप जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ गंदी मूवीज वगैरह देखते हो, जिससे कि आपको ऐसी कुछ डेंजरस लत है, इसको लत बोल सकते हैं आप, तो उस कंडीशन में आप गलत डायरेक्शन में घुस गए हो, जिससे आप आपकी पूरी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते या आपकी पूरी डाइट का ख्याल नहीं रखते। आप ऑयली खाना खाते हो या आप शुगर वाला खाना खाते हो या आप ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हो, इससे आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है और फिर इसके बाद आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी ज़्यादा लो एकदम से होने लग जाते हैं। इसके बाद आपने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि पहले उनकी दाढ़ी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में उनकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा छीदी हो गई थी, तो हो जाती है। तो ऐसा यही रीज़न होता है। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं, चाहे आप बियर्ड ऑयल यूज़ करें, बियर्ड क्रीम यूज़ करें, बियर्ड कैप्सूल यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक इसका यूज़ करें तब तक दाढ़ी की ग्रोथ हो रही है, जैसे ही आप इसको बंद करते हैं उसके बाद फिर आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं करती, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। लाइफ टाइम के लिए आपकी बियर्ड को परमानेंटली ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा परफेक्ट ट्रीटमेंट आप यूज़ करें। परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं कि बियर्ड परमानेंटली कैसे उगाई जाती है, तो इस टॉपिक पर आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई सी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में से कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे ज़रूर बात करें, मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन।